के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के निदेशक प्रशासन मिस्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर वीके सिंह जी, डॉक्टर यादव, डॉक्टर अशोक शर्मा प्रिंसिपल आयुर्वेदा, सभी उपस्थित अधिष्ठाता शिक्षक गण, कर्मचारियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और उन सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन। मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूं उससे पहले, हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग एक शपथ लेते हैं और वो शपथ हम लेते नहीं, उसको अंगीकृत करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो मैं उस शपथ को बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे, उसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय या देश के बारे में मुझे कहना जो मेरे विचार है वो आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा हम सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। ये जो शपथ आप लोगों के द्वारा ली गई है इसको हम अंगीकृत करते हैं, हम कहते हैं अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और इसका एक एक शब्द के अंदर पूरा भारत समाया हुआ है। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि जब भगत सिंह छोटे थे तो उनके पिताजी खेत में जब काम कर रहे थे तो कुछ बैठ में लकड़ी को बो रहे थे, उनसे तो पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोले मैं बंदूक बो रहा हूं। उस बंदूक को बोने का उनके दिल पर वो असर हुआ कि उन्हें देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए। इसी तरह से हमारे जो हम लोग शपथ लेते हैं या किसी भी सभा में हम लोग कोई बात करते हैं तो उसको उसी तरह से हम लोग को अंगीकृत करना चाहिए जिस तरह से भगत सिंह ने अपनी छोटी सी बात को अपने दिल में रखा और देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधूम के साथ मना रहा है। अभी सुबह की जो न्यूज के अनुसार 12,000 फीट ऊंचाई पर हमारे आईटीबीपी के जवानों ने झंडा फहराया और जगह जगह देश में झंडे फहराए जा रहे हैं और एक
खुशी का जो इजहार है बहुत तरीके से, कहीं छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम लोग पिछले वर्ष भी जो हमारा कार्यक्रम थे इस तरह के वो बहुत ही वृहद रूप में नहीं मना सके। इस बार भी आपने राजपथ के ऊपर अगर आप लोग जानते हैं या पढ़ा होगा तो मात्र 6,000 लोगों को वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है, उस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की गई है जहाँ पर हजारों लोग होते थे। मगर खुशी इजहार करने के सब अपने अपने तरीके होते थे, छोटे रूप में की जाए या बड़े रूप में, खुशी तो खुशी होती है। और आज हम लोगों को इस बात की खुशी है कि हम लोग इस देश में स्वतंत्र हैं, एक खुली हवा में सांसें ले रहे हैं और हमारे ऊपर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस आजादी के लिए हमारे कितने जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अनगिनत लाखों लोगों ने उस हवन में अपने प्राणों की आहुति दी है जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो उन लोगों को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से, ऐसे मंच के माध्यम से सभी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब एक उम्र होती है बहुत अपरिपक्व जिसे हम कहते हैं, जब तक सोचने की बुद्धि भी नहीं होती, ऐसी ऐसी उम्र के अंदर हमारे देश के नौजवानों ने उस झंडे को बुलंद करने के लिए आगे बढ़े। नासिक का एक जवान मात्र 18 वर्ष की उम्र में, आप सोचिए कि 18 वर्ष की उम्र क्या होगी, उस उम्र में उसको फांसी दे दी। आप लोगों ने मंगल पांडे के बारे में सुना है सभी ने, आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है, आप लोगों ने धनसिंह कोतवाल, धनसिंह गुर्जर जो पांच ही गांव मेरठ के पास थे उनके बारे में सुना होगा। न जाने कितने लोग थे, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम है जिनको हम जानते हैं, ऐसे भी नाम है जिनको हम नहीं जानते हैं, उन लोगों का भी इस आजादी को दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और ऐसे मौकों के ऊपर, ऐसे अवसरों के ऊपर, ऐसे ओकेजन के ऊपर हम लोग यदि उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी ये फील होता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये फील होता है कि नहीं, ये देश इस तरह से नहीं बना है, इसने, इसके जवानों ने, इसके नौजवानों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारी कुर्बानी की है और अपने परिवार को खोया है। तो हम सभी उन सब शहीदों को, उन सभी रणमांगों को सच सच नमन करते हैं। और मैं आप लोग से एक बात और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे उन नौजवानों ने उस समय अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, आज भी हमारे सैनिक सेना के ऊपर जिस तरह से हम लोग यहाँ ठंड में आज एक जोश के साथ खड़े हैं, वो लोग -7, -8, 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी देश की सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और एक कवि डॉक्टर हरिओम पवार, आप लोग शायद उनके बारे में जानते होंगे, मैं रात उनके दो लाइन पढ़ रहा था, उन्होंने देश के सैनिकों के लिए जो लिखा है शायद आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के अंदर एक ज्वाला से प्रबुद्ध होंगे। उन्होंने लिखा है कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है उसकी कुर्बानी के दीपक से सूरज विश्रमाता है, उस सैनिक के सबका दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर में मूर्त जैसा होता है। तो जो शहीद देश के लिए प्राण देते हैं वो मंदिर में भगवान की मूर्त जैसे माने जाने चाहिए और माने जाते हैं। कवि जो इस तरह की बातें लिखते हैं वो लिखकर सबके सामने उन बातों को शेयर कर देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ लोग खड़े हुए हैं हम सब लोग, हमारे दिलों में भी वही उद्गार हैं, वही भावनाएं हैं, वही फीलिंग्स हैं। हम भी ये चाहते हैं कि जब तक हम इस देश में रहें,
जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम भी देश के लिए कुछ लोग ऐसा करें जिसमें हमें भी लोग कल को जाने, हमारे बारे में चर्चा करें, कहें कि नहीं उस व्यक्ति ने भी देश के लिए कुछ किया है। साथियों, एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, मातृभूमि के लिए है, अपनी माँ के लिए है। मैं आप लोगों के सामने जरूर उसको कहना चाहूंगा। एक गांव का जवान, उसकी बहुत गरीब परिवार से निकला था, उसकी जब नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह लेकर अपने गांव की तरफ चला। उसको अपनी माँ की पीड़ा याद थी। और यहाँ दोनों में बातें कहना चाहूंगा, माँ तो जन्म देती है और एक माँ जमीन पर धरती को अंकुरित से हम खड़े हुए। उस मार्केट में गया, उसने दुकान पर जाकर कहा कि मुझे अपनी मेरी माँ के जो जूते चाहिए। तो दुकानदार ने कहा कि भाई आपको अपनी माँ के लिए जूते चाहिए तो साइज बताओ क्या है। उसने कहा मेरी माँ के पास साइज तो मुझे नहीं पता, क्योंकि तो उसने तो कभी जूते पहने ही नहीं है। वो तो हमेशा जो है खेतों में नंगे पैरों काम किया, झाड़ी हो, झंकूर हो, सब में जो है ऐसे जाती थी। और मेरे लिए हमेशा जो है कमाया, मुझे आज यहाँ पर कामयाब करके ले जा। उसने कहा फिर भी एक उसने अपनी जेब से कागज निकाला, उस कागज पर अपनी माँ के पैरों का एक चित्र बनाया हुआ था, इस तरह के मेरी माँ के पैर होंगे। तो दुकानदार को उसने लिया, दुकानदार ने उसको लिया, उस साइज की चप्पलें उसको दे दी। उसने कहा कितनी कीमत होगी इस चप्पल की? बोला 800 रुपये। फिर दुकानदार की समझ में आया कि अभी नई नौकरी लगी है, 800 रुपये कहीं ज्यादा तो नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारी सैलरी कितनी मिलती है? तो बोला मुझे 8000 रुपये सैलरी मिलती है, 5000 रुपये खर्च होता है, 3000 रुपये मैं अपनी माँ के हाथ में दूंगा और उसमें से मैं जूते चप्पल मेरे लेने आया। तो उसने कहा था ठीक है, तो तुम रुको, एक काम और करो, एक जोड़ी चप्पल और मेरी तरफ से अपनी माँ को देना। उसने मना भी किया, लेकिन उसने कहा नहीं आप लेना, वो मेरी भी माँ है, आप उनको जरूर चप्पल देना है। तो वो दोनों जोड़ी चप्पल लेकर चला गया और उसने कहा कि एक मिनट और रुको, तो कागज आपकी जेब में है, वो कागज मुझे दे जाओ। उसने वो कागज लिया, कागज ले जाकर उस कागज को मंदिर में रखा। मंदिर में रखने के बाद जो उसके कारीगर से उन्होंने कहा काम आप ये क्या कर रहे हैं, जो उनकी माँ के पैरों की आकृति है, ये माँ के पैरों की आकृति नहीं है, ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी अब मेरे घर में आई है और ये अब एक ना जब से ये लक्ष्मी मेरे घर में रखी की सबसे बहुत बरकत होगी। जिस माँ ने अपनी औलाद को इस तरह के संस्कार दिए हैं, इस तरह का दुलार दिया है, इस तरह से उसको पाला है, तो कहीं ना कहीं उस माँ की जो पैरों की धूल है वो मेरे घर में रखी रहेगी, तो शायद मुझे बरकत मिले, वो लक्ष्मी। तो साथियों, चाहे वो ये माँ हो, चाहे जन्म देने वाली माँ हो, सब माएँ जो पूजने योग्य होती हैं और इन माओं की वजह से हमारा अस्तित्व है, हमारा आदर है, हमारी कहीं ना कहीं जो सम्मान है वो इसी की वजह से है। तो इसलिए जिन जवानों ने अपनी माँ की रक्षा की, चाहे वो आज़ादी के समय की, चाहे वो आज कर रहे हैं, वो हमेशा आदरणीय है, हमेशा पूजने योग्य है। तो आप सब लोग से मैं उम्मीद करूँगा कि चाहे वो आप किसी भी हालात में रहें, कहीं भी रहें, किसी तरह से रहें, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे जिनको हम संस्कार के रूप में अपने पिताजी कहते हैं, अपनी माताजी कहते हैं, अपने दादाजी कहते हैं, और जो हमारी जन्मभूमि है, इसके लिए हमारे मन में हमेशा सम्मान रहना चाहिए, हमेशा आदर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इन प्रेरणाओं से, इन आशीर्वाद से आगे बढ़ता है, उसको कभी भी असफलता नहीं मिलती। संकट जरूर आ सकते हैं जीवन में, वो हर किसी में आते हैं। हम लोग 190 वर्ष तक जो है अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया हम लोगों ने,
और ऐसा नहीं है कि इस आजादी को पाने के लिए एक दिन दो दिन सालों 190 वर्ष लगे। शुरुआत में धीरे धीरे उन लोगों ने हम लोगों को बांटा, छूट डालो राज करो की नीति से हम लोगों को हमारे साथ राज करते रहे। अदरवाइज उनकी संख्या और हमारी संख्या में बहुत बड़ा अंतर था, मगर जैसे जैसे हम लोगों को उन चीजों का ज्ञान हुआ, आभास हुआ, हम लोग जगे और हमारे नौजवानों ने उनके प्रति विद्रोह करना शुरू किया। क्योंकि आजादी के बारे में आप सब लोग पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, तो आप उन लोगों के बारे में जरूर पढ़ें जिन लोगों ने देश को अंग्रेज से गुलाम कराया। आपके सब लोगों को याद होगा जलियांवाला कांड, ऐसे चाहे आप मंगल पांडे को फांसी दी गई बैरकपुर की जेल के अंदर, धन सिंह कोतवाल को फांसी दी गई, तो इन सब लोगों के बारे में आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई संस्थान हो, जब तक हम लोग एकता के साथ नहीं किसी भी काम को करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जो परिवार है, नदौड़ू परिवार, इसमें भी हम लोग आगे इसी वजह से बढ़े हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर एकता रही है, हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर काम किया है, और ये आप सब लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग 7वें वर्ष में इस विद्यालय को लेकर जा रहे हैं। चाहे वो हमारा आयुर्वेद कॉलेज हो, चाहे हमारा मधुबनी यूनिवर्सिटी परिवार हो, कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष वो रेस की है, प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर कोई ना कोई नया कोर्स ऐड हुआ है। तो ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, आप लोगों की एकता का नतीजा है। तो इस अवसर पर आप लोगों को इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए भी, इसको सहयोग देने के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। अंत में मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप लोग से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जब तक जियो, अच्छे से जियो, और कहते भी देने वाला तो सबको देता है, अब देने वाला सबको देता है, किसको क्या मिला तो मुकद्दर की बात है। मकर मुकद्दर अपने कर्मों से बनाया जाता है, और कर्म हमारे क्या है, कर्म हमारे ये हैं कि हम जिस संस्थान में रहते हैं, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, वहाँ के लिए जो समय निर्धारित किया जाता है, उस समय को आप 100% यदि आप यहाँ पर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कर्मों के साथ आपका भाग्य उज्ज्वल नहीं हो सकता, जरूर होगा। अंत में आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, पुनः उन शहीदों को, उन रणबांकुरों को सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। लास्ट में एक बार फिर आप लोग मेरे साथ बोलेंगे वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।